हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो उन लड़कियों के लिए स्पेशल है जिनकी हाइट कम है और हाइट को लेकर डिप्रेस रहती हैं। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 8 ऐसे जबरदस्त टिप्स जिनसे आप अपनी हाइट को 5 से 10 इंच तक बढ़ा सकती हैं। इसलिए आप इन सभी टिप्स को फॉलो करें और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। और हाँ, आप टिप्स के टाइटल को देखकर वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि मैंने कुछ अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, हाई हील फुटवियर। जब भी आप किसी फंक्शन या शॉपिंग के लिए घर से बाहर जाएं तो आप 3-4 इंच हील वाले फुटवियर का यूज करें। लेकिन कुछ गर्ल्स इस पॉइंट पर गलती करती हैं। गलती ये करती हैं कि जब आप बाहर जाती हैं तब ही आप हील वाला फुटवेयर पहनती हैं और जिसकी आपको पूरी तरीके से आदत नहीं होती। इसके सॉल्यूशन के लिए आप ऐसा करें, घर पर डेली 1 या 2 घंटे हील वाले फुटवेयर पहनकर रहें ताकि आपके माइंड और बॉडी को इसकी आदत हो जाए, ताकि जब भी आप किसी फंक्शन या पार्टी में जाएं तो आपके स्टाइल से किसी को भी ये महसूस नहीं हो कि आपने हील वाले फुटवेयर पहन रखे हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले कंडीशन में ना चाहते हुए भी आप फुटवेयर दिखा रही होती हैं और दूसरी कंडीशन में आपके फुटवेयर नॉर्मल दिख रहे होते हैं। टिप्स नंबर 2, टाइट बॉटम। अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए आपको ऐसे बॉटम पहनने हैं जिनसे लोग हाइट का इल्यूजन क्रिएट होता है। इसके लिए आप टाइट बॉटम को वियर करें। फॉर एग्जाम्पल, आप फुल प्लाजो की जगह पैंट प्लाजो और चूड़ीदार पजामी पहन सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि इनकी हाइट आपके टखनों से ऊपर ही रहे, क्योंकि पतले लेग्स होने की वजह से आप दूसरों को लॉन्ग दिखाई देंगी। इसलिए आप मोस्टली टाइट बॉटम का ही यूज करें। टिप्स नंबर 3, सूट लेंथ। लॉन्ग दिखने के लिए आप अपनी सूट हाइट का स्पेशल ध्यान रखें। आप बहुत ज्यादा लॉन्ग या बहुत ज्यादा शॉर्ट कुर्ती ना पहने। बहुत ज्यादा लॉन्ग कुर्ती में आपकी हाइट छोटी लगेगी और बहुत ज्यादा छोटी कुर्ती में आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे। आपकी सूट की हाइट आपके घुटनों से थोड़ा नीचे ही रहनी चाहिए। टाइट बॉटम और सूट हाइट की वजह से आप दूसरों को लंबी दिखाई देंगी। टिप्स नंबर 4, सूट डिजाइन। आप अपनी ड्रेस का डिजाइन हॉरिजॉन्टली बिल्कुल ना बनाएं, बल्कि सभी डिजाइन वर्टिकली बनाएं। अगर आप प्रिंटेड सूट बना रही हैं तो इसमें बड़े प्रिंट वाले डिजाइन को अवॉइड करें। इसकी जगह आप छोटे प्रिंट के डिजाइन को पसंद करें और इसके साथ शॉर्ट स्लीव भी ना पहने। आपको ज्यादातर सूट फुल स्लीव के बनाने चाहिए क्योंकि ऐसे डिजाइन के साथ साथ फुल स्लीव कपड़े पहनने से लॉन्ग होने का अच्छा इल्यूजन क्रिएट होता है और आपकी हाइट बढ़ी हुई दिखाई देती है। टिप्स नंबर 5, नेक डिजाइन। आप जो भी ड्रेस बनाएं उसमें आप शॉर्ट गले के डिजाइन और कॉलर वाले डिजाइन को अवॉइड करें और जितना मैक्सिमम हो सके उतने बड़े गले का डिजाइन बनाएं। और बड़े गले के डिजाइन से मतलब ये है कि डिजाइन को इतना ही बड़ा करें जितना आप कंफर्ट महसूस करें और डिजाइन न्यूडली और डल ना लगे। इसमें आप वी शेप के गले भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि शॉर्ट हाइट वाली सेलिब्रिटी भी इस तरह के नेक डिजाइन पहनती हैं। आप उनसे भी बहुत सारे डिजाइन के आइडियाज ले सकती हैं। टिप्स नंबर 6, सूट कलर। आप अपने सूट का कलर इस तरह सेलेक्ट करें कि उसका अपर और लोअर सेम कलर का हो और डिफरेंट कलर की ड्रेस को पार्टी, फंक्शन या घर से बाहर जाने के लिए ना पहने। सेम कलर के अपर लोअर के कम्बिनेशन को मोनोक्रोमेटिक पैटर्न बोलते हैं और शॉर्ट हाइट वाली लड़कियों को मोनोक्रोमेटिक पैटर्न सबसे अच्छा लगता है। और एक बात और, छोटी हाइट वाली लड़कियों को डार्क कलर के कपड़े ही पहनना चाहिए। टिप्स नंबर 7, हेयर स्टाइल। छोटी हाइट वाली लड़कियां अपना हेयर स्टाइल ऐसा सेलेक्ट करें कि आपके हेयर 2 या 3 इंच ऊपर तक हो जाएं। इसके लिए आप हाई बन का स्टाइल भी बना सकती हैं, पफ का यूज कर सकती हैं। यह आप पार्टी फंक्शन के साथ साथ डेली यूज में भी कर सकती हैं। इसलिए छोटी हाइट वाली लड़कियां अपने हेयर स्टाइल पर स्पेशल ध्यान दें। टिप्स नंबर 8, माइंड सेट। ये वाला टिप्स थोड़ा मोटिवेशन है, मतलब कि आपको अपनी हाइट को लेकर थोड़ा सा भी डिप्रेस नहीं होना है क्योंकि कुदरत ने आपको जैसा बनाया है परफेक्ट बनाया है। इसलिए आप अपनी नेगेटिविटी पर ध्यान ना दें, अपनी पॉजिटिविटी पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारी छोटी हाइट की लड़कियां अपने अपने फील्ड में कमाल कर चुकी हैं। इसलिए आप ऊपर बताए गए सभी टिप्स को फॉलो करें, खुद को शॉर्ट और दूसरों को लॉन्ग देखना छोड़ दें और जिंदगी में मजे लें और खुश रहें। तो फ्रेंड, कैसी लगी मेरी टिप्स? अगर आपको टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही टिप्स और फैशन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बी हैप्पी, बी स्टाइलिश।